नमस्कार, आप सबको मेरा चैनल पे स्वागत है। तो व्यूवर्स, आज का वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि इसी वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सिलचर से बंदरगाह डिटेक्चरा हाफलोंग होते हुए अगर आप लैंडिंग या गुवाहाटी जाना चाहते हो तो इसी रोड का कंडीशन के बारे में मैं वीडियो लेके आया हूँ आप सब लोगों के सामने। तो बहुत ख़राब कंडीशन है रोड का, तो इसलिए मैं आप लोगों को इसी वीडियो के द्वारा दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग इसी रोड से अपना छोटा या प्राइवेट गाड़ी या हैवी गाड़ी लेके इसी रोड से ट्रेवल करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक यानी लास्ट तक ज़रूर देखिए। थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं जो जगह ज़्यादा ख़राब कंडीशन है वही जगह बड़ी इंपॉर्टेंट जो जगह है वही जगह मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, तब आप लोग इसी रोड के कंडीशन के बारे में पूरा जानकारी आप लोगों को मिलेगा। एंड वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट जगह मिस हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो व्यूअर्स, इतना दिन मैंने वीडियो बनाया था, धूप के वक्त मैंने वीडियो बनाया था। तो आज सुबह सबसे ज़्यादा बारिश हुआ है आज सुबह, तो बारिश के वक्त बारिश का मौसम में रोड का कंडीशन किस तरह होता है मैं आप लोगों को इसी वीडियो के द्वारा दिखाने वाला हूँ। व्यूअर्स, आप लोग जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तब जाके आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसी रोड का कंडीशन के बारे में। ओके, तो ये वीडियो मैंने शुरू किया था हाफलोंग का जो डिमासो डिस्ट्रिक्ट का जो एंट्री गेट है उसी गेट से मैंने शुरू किया था। आप लोगों को मालवा तक मैं आप लोगों को रोड का कंडीशन के बारे में दिखाऊंगा, क्योंकि बंदरखाल और मालवा पे रोड का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं आप लोगों को बंदरखाल से लेकर मालवा तक रोड का कंडीशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सब लोगों के लिए। तो व्यूअर्स, जो जगह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही जगह मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए लैंडस्लाइडिंग किस तरह हुआ है, एक तरफ रोड बनाया जाता है एंड दूसरी तरफ से रोड डिस्टर्ब हो जाता है लैंडस्लाइडिंग की वजह से। तो फ्रेंड्स, क्या मतलब है, ये रोड कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, इस रोड का काम कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। जब तक लैंडस्लाइडिंग चलता रहेगा तब तक रोड डिस्टर्ब होते रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सुबह बारिश दिया है, इसलिए थोड़ा बहुत सूख गया है यहाँ पर। लेकिन व्यूअर्स, सुबह बारिश की वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुआ है, कंटिन्यू लैंडस्लाइडिंग होता है। तो आगे चलकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तब तक लेके वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा व्यूअर्स। तो ये इलाका है बंदरखाल इलाका है, आप लोगों को पता होगा बंदरखाल पे थोड़ा बहुत रोड बनाया गया है पीच, लेकिन थोड़ा बहुत जगह रह गया है, वही जगह भी बनाया जा रहा है, लेकिन उस तरफ दूसरी तरफ लैंडस्लाइडिंग होकर भी रोड डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलिए, और आप लोगों को और थोड़ा आगे चलकर मैं आप लोगों को रोड का कंडीशन के बारे में आप लोगों को दिखाता हूँ। जो जगह सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशन है वही जगह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए किस तरह रोड को बनाया गया है, लेकिन एक तरफ लैंडस्लाइडिंग होके ख़त्म। देखिए यहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होता है, सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशन ये जगह हो जाता है बारिश की वजह से, कंटिन्यू लैंडस्लाइडिंग होता है यहाँ पे। फ्रेंड्स, जब आप लोग इसी जगह से ट्रेवल करेंगे अपना छोटा गाड़ी लेके, ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब बारिश ज़्यादा होगा तब आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा होता है। ये लैंडस्लाइडिंग एरिया है, मैं आप लोगों को बोला ये लैंडस्लाइडिंग एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर लैंडस्लाइडिंग ही यहाँ पे होता है। देखिए कंटिन्यू यहाँ पे होता है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखिए रोड बनाया गया, न्यूली रोड बनाया गया है, लेकिन रोड को देखिए, रोड डिस्ट्रॉय हो चुका है कम्प्लीटली। तो यही है रोड का कंडीशन, और आगे चल के मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे न्यूली रोड बनाया जा रहा है, फिर भी यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होता है। लेफ्ट तरफ देखिए, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू लैंडस्लाइडिंग अभी तक हो रहा है फ्रेंड्स, अभी तक हो रहा है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू हो रहा है, सुबह से हो रहा है यहाँ पे। तो क्या मतलब है रोड बनाने की, इस तरफ खाली करिए किया जा रहा है गाड़ी लेके, लेकिन दूसरे तरफ लैंडस्लाइडिंग कंटिन्यू हो रहा है, ऊपर से मिट्टी नीचे गिर रहा है देखिए। तो आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप लोग इसी रोड से ट्रेवल करेंगे तो ध्यान रखना फ्रेंड्स। आज सुबह ड्राइवर को पूछा था, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन था सुबह जब बारिश दिया रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखिए जेसीपी लगा के धक्का लगाना पड़ा गाड़ी को, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होने की वजह से स्लिप होता है। यहाँ पे गीला मिट्टी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अभी थोड़ा बहुत सूख गया है, लेकिन सुबह ज़्यादा ख़राब कंडीशन था। बारिश जब जाता है तो ज़्यादा ख़राब कंडीशन इसी रोड का हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए काम चल रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है, गाड़ी को रुका के कम से कम
10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा यहाँ पे रुकना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू 15 मिनट हम लोग यहाँ पे रुके थे, उसके बाद हम लोगों को छोड़ा गया है यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन बारिश होने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है छोटा गाड़ी के लिए, हैवी गाड़ी के लिए भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होता है, इसलिए यहाँ पे मिट्टी को लेफ्ट तरफ जो मिट्टी है इन सब मिट्टी को काटिंग किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए जब भी आप लोग इसी रोड से ट्रेवल करेंगे तो अचानक ऊपर से बहुत हैवी हैवी पत्थर गिरने लगता है क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, बहुत रिस्की होता है आप सब लोगों के लिए क्योंकि अचानक अगर ऊपर से बड़ा हैवी पत्थर अगर नीचे गिर रहा है तो आपके गाड़ी के ऊपर गिर रहा है तो भाई क्या होगा पता आएगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर ज़्यादा रिस्क है। ये जो हम लोग जगह पे इस जगह से हम लोग जा रहे हैं ना, इस जगह पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। क्या बोलूँ फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले शिलोंग पे इस तरह हुआ था, घड़ी के ऊपर तीन घड़ियों के ऊपर अचानक या बड़ा हैवी पत्थर आने के लैंडस्लाइडिंग हुआ तो घड़ी नीचे घाई पे चला गया। तो व्यूअर्स आप लोग ध्यान रखना, वेरी रिस्की है। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू काम चल रहा है, यहाँ पे भी आप लोगों को कम से कम आधा घंटा यहाँ पे रुकना पड़ता है। मैं आप लोगों को नीचे उतर के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ गाड़ी से, यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे कम से कम आधा घंटा यहाँ पे रुकना पड़ता है। देखिए तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, देखिए एक तरफ यहाँ पे मिट्टी फेंका जा रहा है तो यहाँ पे भी बारिश होने के बाद लैंडस्लाइडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। सीधा देखिए नदी पे जाके मिट्टी गिरेगा। तो यहाँ पे देखिए गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है, हैवी गाड़ी का लाइन लगा हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आधा घंटा यहाँ पे रुके थे, रुकने के बाद फाइनली हम लोगों को छोड़ा गया है। यहाँ पे देख सकते हो रोड का कंडीशन, तो फिलहाल बारिश होने के बाद यहाँ पे भी आप सब लोगों को तकलीफ उठाना पड़ेगा, हैवी गाड़ी के लिए भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा एंड छोटा गाड़ी के लिए भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा यहाँ पे हैवी बारिश होने के बाद। तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ इसी रोड का कंडीशन, यानी ये बंदरखाल एंड मड़वा का रोड का कंडीशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मड़वा अभी तक नहीं गए हैं हम लोग, अभी डामचौड़ा पे है डामचौड़ा, तो डामचौड़ा एरिया है वो, उसी एरिया पे हम लोग अभी तक है, यहाँ पे भी काम चल रहा है। तो कुछ दिन आने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह सा रोड मिलेगा यहाँ पे हैवी गाड़ी के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा बारिश ज़्यादा होने के बाद। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी गाड़ी यहाँ पे रुका था, कुछ दिन पहले मैंने दिखा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत आप है एंड यहाँ पे गीला मिट्टी है, ज़्यादा कीचड़ जमा हो जाता है, कीचड़ जमा होने की वजह से हैवी गाड़ी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। छोटा गाड़ी के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं होता, लेकिन हैवी गाड़ी के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है यहाँ पे। तो चलिए और थोड़ा आगे चलकर मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट वही जगह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए रोड का कंडीशन, देखिए व्यूअर्स से रोड का कंडीशन देखिए, यहाँ पे बारिश देने के बाद भी यहाँ पे कीचड़ ज़्यादा हो जाता है, पानी भी ज़्यादा जमा हो जाता है यहाँ पे देखिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा स्कूटी के लिए ये रोड कंफर्टेबल नहीं है, आप लोग स्कूटी लेके इसी रोड से ट्रेवल मत कीजिए। बहुत सारे लोग हैं स्कूटी लेके इसी रोड से ट्रेवल कर रहे एंड बीच में जाके अटक रहे हैं। तो इन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग स्कूटी लेके इसी रोड से ट्रेवल मत कीजिए। तो फिलहाल फ्रेंड्स अब अभी बारिश आ चुका है यहाँ पे, देखिए हैवी बारिश यहाँ पे हो रहा है। तो बारिश के वक्त मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ रोड का कंडीशन कैसा है, तो आप लोग देख लीजिए। ओके, बहुत ख़राब कंडीशन है बारिश होने के बाद। तो कीचड़ देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है फ्रेंड्स, क्या बोलो छोटा गाड़ी के लिए बहुत तकलीफ फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट मड़वा पे लेके चलता हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड का कंडीशन ख़राब है। एंड वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो हो रहा है काफ़ी लंबा। ओके, चलिए मड़वा पे चलते हैं। तो ये रहा मड़वा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे काम कंटिन्यू चल रहा है तो बीच में कुछ काम करके ऐसे चढ़ दिया गया है। तो ऊपर से जब मिट्टी बारिश होने के बाद ऊपर से जब गीला मिट्टी आके रोड पे ऊपर गिरता है तब जाके रोड पे ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, इसलिए गाड़ी ज़्यादा स्लिप हो रहा है। एंड और आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊँगा सबसे ज़्यादा ख़राब हुई जगह है, जिस जगह पे आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ उठाना पड़ेगा, यानी सब लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ उठाना पड़ता है, चाहे हैवी गाड़ी हो चाहे छोटा गाड़ी हो, तो आप सब लोगों को यहाँ पे तकलीफ़ उठाना पड़ता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो जगह, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा।
वैसे भी मैं आप लोगों को मोबाइल से ठीक से नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ पे रोड का कंडीशन बहुत ख़राब है, क्योंकि बारिश होने के बाद सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशन यहाँ पे होता है। चलिए यहाँ पे देखिए कीचड़ तो अब सूख गया है बारिश रुकने के बाद, लेकिन बारिश होने के बाद भी ज़्यादा हो रहा है। तो फिलहाल व्यूअर्स बुरा मत मानिएगा क्योंकि मैं बारिश ज़्यादा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बारिश होने के बाद ही सब कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो इसलिए मैं बारिश वर्ड में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पे कीचड़ देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये सबसे छोटा रोड है, यह सबसे छोटा, तो ऊपर से मिट्टी कंटिन्यू गिरते रहता है, तो बहुत रिक्सी ये जगह है व्यूअर्स। यहाँ पे देखिए हैवी पत्थर आके गिर चुका है ऑलरेडी। देखिए अगर आपका गाड़ी इसी रोड से जा रहा है एंड ऊपर से अगर पत्थर आ रहा है तो ध्यान रखना फ्रेंड्स यहाँ पे, ओके, काफ़ी ध्यान से आप लोगों को गाड़ी चलाना पड़ेगा इस जगह पे, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग होता है, वो भी ऊपर से हैवी पत्थर आके गिरता है। तो पहले सीधा रोड दिया गया था, तो रोड ख़राब होने की वजह से लेफ्ट तरफ रोड दे दिया गया, यानी न्यूली जो रोड बनाया जा रहा है उसी तरफ से रोड चालू कर दिया गया है। फिर भी क्या करें व्यूअर्स, थोड़ा थोड़ा जगह पे 100 मीटर 200 मीटर इस तरह जगह पिच कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशन यही है व्यूअर्स, देख लीजिए सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशन यहाँ पर है मड़ुआ पे। यहाँ पे सब लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नज़दीक जेसीपी रखा हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा गाड़ी अटक रहे हैं, यहाँ पे जेसीपी से धक्का लगाना पड़ता है यहाँ पे देख लीजिए सबसे रोड ख़राब कंडीशन यहाँ पे है मड़ुआ पे। तो मड़ुआ का सबसे जगह यही ख़राब कंडीशन है, तो आप लोग ध्यान से इसी जगह से जाना। इसके बाद इतना ख़राब कंडीशन वाला जगह नहीं है, सेम वैसा जिस तरह देख रहे हो वैसा ही है। तो इसके बाद आप लोगों को टोल गेट मिलेगा फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूँ, टोल गेट यहाँ पे लगा दिया गया है। हर गाड़ियों को यहाँ पे 80 रुपीज़, 90 रुपीज़, 100 रुपीज़ देना पड़ता है, लेकिन रोड का कंडीशन इतना सही नहीं है, लेकिन टोल गेट क्यों लगा दिया गया है मुझे पता नहीं। टोल गेट पे टैक्स देना पड़ता है, वहाँ पे डिमाउसा पे एंट्री गेट टैक्स देना पड़ता है। रोड का कंडीशन देखिए जी, 100 किलोमीटर है हाफलोंग से सिलचर तक, वो भी कम से कम 5 आवर्स यहाँ पे लग जाता है। तो क्या फ्रेंड्स इतना समय लग रहा है तो टोल गेट का क्या ज़रूरत है पता नहीं। फिर भी आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोगों को टैक्स देना पड़ता है। थैंक यू, जय हिंद।